नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आज के वीडियो में हम दो तरह की रेसिपीज बना करके तैयार करेंगे। एक है मेथी के पकोड़े, क्योंकि मार्केट में अभी मेथी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलने लग गई है, और दूसरा है पोहे का डाइस। ये रेसिपी खास तौर से बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि उसका शेप भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मेथी के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। मेथी के पकौड़े बनाने के लिए हमने एक बंच मेथी ली है, जिसके डंठल हमने साफ कर लिए हैं। साफ करने के बाद में हमने दो तीन बार साफ पानी से धो लिया है, जिससे इसके अंदर कोई तरह की मिट्टी नहीं रहे। और ये लगभग साफ करने के बाद में वजन में 65 ग्राम मेथी है। अभी इन्हें हम काट लेंगे। मेथी काटने के लिए हमने एक बाउल लिया है और हम मेथी को छोटा छोटा काट के तैयार करेंगे। तो मैं कैंची से मेथी काट रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी मेथी काट सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी मेथी काट करके तैयार करें। छोटी छोटी मेथी काटेंगे तो पकोड़े इसके ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अभी पूरी मेथी को हमने काट लिया है, अभी इसमें हम थोड़ा धनिया मिक्स कर देते हैं। हरा धनिया को भी हमने काट लिया है और धनिया का टेस्ट भी मेथी के साथ में अच्छा लगता है, इसलिए धनिया ज़रूर मिक्स करें आप। अभी इसमें हम एक छोटा चम्मच साबुत धनिया को दरदरा पीस लिया है और दरदरा पिसा हुआ धनिया इसमें डाल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, धनिया हमने दरदरा पिसा है। इसी तरह हमने एक छोटा चम्मच सौंफ ली है, इसे भी हमने दरदरा पीस लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने काली मिर्ची ली है, इसे भी हमने दरदरा पीस लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। क्योंकि दरदरी किसी हुई काली मिर्ची मुंह में आती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 इंच अदरक को हमने साफ धो करके छील करके कद्दूकस कर लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। 3 हमने हरी मिर्ची ली है, जिसे छोटा छोटा काट लिया है हमने, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। हरी मिर्ची आप जब भी मिक्स करें इसमें, उसे छोटा छोटा काट के मिक्स करें। 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डाल देते हैं। बेसन के साथ में हींग डालने से क्या है, बेसन किसी को गैस वगैरह करता है तो गैस नहीं करेगा। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को हम हाथ में इस तरह से लेकर के मसल के डालेंगे, जिससे इसकी खुशबू इसमें ज़्यादा अच्छी आएगी। अभी सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी 1/2 कप हमने बेसन लिया है, ये भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देते हैं। पूरा 1/2 कप हमने बेसन मिक्स कर दिया है, अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसका घोल हमने बना करके तैयार कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। इसका ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, पतला घोल बनाएंगे इसके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अभी इसमें हम दूसरे मसाले मिक्स कर देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची डाल देते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम मीठा सोडा डाल देते हैं। मीठा सोडा डालने से पकोड़े हैं अच्छे फूले फूले बन के तैयार होते हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। तेल डालने से भी पकोड़े अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, इस तरह से इसका घोल बना करके आप तैयार कर लें। क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो फिर पकोड़े बिखरने लगेंगे, तो आराम से इसके गोल गोल पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह का घोल बनाने के लिए लगभग हमारे 3/4 कप पानी लगा है, जो 1/4 कप पानी बच गया है। अभी हम पकोड़े तलना शुरू करते हैं। तलने के लिए हमने एक पैन में तेल लिया है और गैस चालू कर देते हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें हम पकोड़े निकालना शुरू करते हैं। पकोड़े आप छोटे या बड़े जैसे भी साइज में निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आप देखिए, जैसे जैसे पकोड़े हल्के होते जाते हैं अपना ऊपर आ जाते हैं, वो अपना ऊपर आ रहे हैं। इनको उलट पलट के हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अभी हमारे पकोड़ों का लाइट गोल्डन कलर आ गया है, आप देख पा रहे हैं, अच्छे लाइट गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह के गर्मा गर्म पकौड़ों को आप चटनी के साथ में या केचप के साथ में भी खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो आइए अभी हम पोहा की डाइस बनाना शुरू करते हैं। पोहे का नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कप पोहा लिया है। ये वही पोहा है जो हम बटाटा पोहा या कांदा पोहा बना करके तैयार करते हैं। इसको हम स्टैंडर में डाल देंगे और इसे साफ पानी से धो लेंगे। आप देख पा रहे हैं, हमने पोहा को साफ पानी से धो लिया है, फिर नीचे देखिए कितना गंदा पानी निकल जाता है। तो पोहा को धोना बहुत ज़रूरी है। अभी इस पोहा को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। पोहे के रखे हुए हमारे 10 मिनट हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं पोहे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से आप देख लें, पोहे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। पोहे को हमने बाउल में निकाल लिया है, अभी एक बार इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे आटा गूंद के तैयार करते हैं, वैसे ही हमारे को स्मूथ डो बना करके तैयार करना है। जब पोहा अच्छा भीग जाता है तो आराम से स्मूथ डो बन जाता है इसका। सभी पोहे हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं, जैसे आटा गूंद के तैयार करते हैं उसी तरह से स्मूथ हो गया है। अभी इसमें डालने के लिए हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने साफ धो करके कुकर में 3 सीटी तक उबाल लिया था, ये हमारे उबले हुए आलू तैयार हैं। अभी इसको हम कद्दूकस करके इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो हाथ से इसे मैश भी कर सकते हैं।
कद्दूकस से करने से एक जैसे एकदम से मैश हो जाते हैं। अभी दोनों आलू को हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, अभी इसमें हम दूसरे मसाले डाल देते हैं। एक इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे साफ धो करके कद्दूकस कर लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। दो हरी मिर्ची ली है, इसे भी हमने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। दो टेबल स्पून जितना हमने हरा धनिया लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची डाल देते हैं, यदि आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं तो मिर्ची थोड़ा कम डालें। आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं, नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और सभी को अभी हम मिक्स कर लेंगे। सबको मिक्स करके इस तरह से हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। यदि आपका डो थोड़ा गीला रह जाता है तो आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं, नहीं तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अभी इसके हम छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे, आपको जिस तरह से बनाना है उस हिसाब से छोटा या बड़े जैसे बनाना क्यूब, उस तरह से छोटे छोटे क्यूब बना करके तैयार करें। इस तरह से हमने इसका क्यूब का शेप दिया है, आप चाहे तो गोल भी शेप दे सकते हैं या छोटे छोटे टिकिया के जैसे भी बना सकते हैं। क्यूब का शेप थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों को भी खाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से सभी क्यूब बना करके हमने तैयार कर लिए हैं, हमारे प्रपोर्शन में लगभग 14 क्यूब बन के तैयार हुए हैं। अभी इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, इस समय मैं आपको बता देती हूँ, तेल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद में ही इस तेल के अंदर आपको क्यूब डालना है। इससे पहले आप डाल देंगे थोड़ा तेल ठंडा होगा, तेल के अंदर जा करके बिखर सकते हैं। आपको सारे क्यूब एक साथ में डालना है, तो एक साथ डालेंगे तो तेल ठंडा पड़ जाएगा तो क्यूब इसमें बिखर जाएंगे, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। हम भी एक साथ नहीं डालेंगे, हमने 14 क्यूब बनाए थे उसमें से 7 क्यूब अभी डाले हैं, 7 को हम बाद में फ्राई करते हैं। अभी क्यूब थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं, अभी इनको हम पलट देंगे। देखिए थोड़े क्रिस्पी दिखने लग गए हैं तो इसको भी पलट देंगे, आप देख पा रहे हैं कोई भी क्यूब हमारा फटा नहीं है। अभी सभी क्यूब को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है, आप देख पा रहे हैं क्यूब दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से हम सभी पोहा की डाइस को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। यदि आप इसे 2-4 दिन बाद में भी सर्व करना चाहते हैं तो आप इसे ठंडा करके लिक टाइट डब्बे में भर करके फ्रीजर में रख सकते हैं, जब भी आपको इच्छा हो उस समय आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो आप भी अपने घर में इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।